नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन हकीकत के धरातल से ये दावे चूर होते नजर आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा तो दूर, जिन महिलाओं की दरिंदगी कर उनकी हत्या कर दी गई थी, उस मामले को एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जिले की पुलिस के हाथ खाली। अंधेरे में तीर चला रही पुलिस अभी हाल ही में तीन युवकों को हिरासत में लेकर थर्ड डिग्री टॉर्चर भी दे चुकी है। हालांकि कोई जानकारी हाथ न लगने पर उन्हें 8 दिन बाद सादे कागज पर दस्तखत कराकर छोड़ दिया गया। बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति योजना जिले में बेईमानी साबित हो रहा है। बीते साल जुलाई महीने में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे किनारे एक ढाबे के पीछे जंगल में दो युवतियों के अर्धनग्न शव मिले थे। बता दें कि स्थान उस समय सदर कोतवाली की दही चौकी क्षेत्र में था, जो अब नव सृजित दही थाने के औद्योगिक चौकी क्षेत्र में आता है। शुरुआती दिनों में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए खूब हाथ पांव मारे। युवतियों की पहचान के लिए आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई, फिर पैम्पलेट छपवा कर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान कराने के प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ये मामला पुलिस की फाइलों में ही दब कर रह गया। एक महीने पहले दही चौकी को थाना बना दिया गया। खास बात ये रही कि नए थाने की कमान स्वाट प्रभारी और उप निरीक्षक गौरव कुमार को सौंपी गयी। बता दें, गौरव कुमार के नेतृत्व में स्वाट टीम ने कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का श्रेय लिया है। थाने के साथ साथ स्वाट टीम की जिम्मेदारी निभा रहे गौरव कुमार ने भी दो युवतियों के शव की गुत्थी सुलझाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन उनका प्रयास अंधेरे में चलाया हुआ तीर साबित हुआ। दरअसल उनकी स्वाट टीम ने तीन युवकों को उठाकर उन पर थर्ड डिग्री तक टॉर्चर कर डाला। हालांकि युवकों से स्वाट टीम को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे घटना का राज खुल सके। पुलिस ने थक हार कर तीनों युवकों को 8 दिन बाद छोड़ दिया। इन युवकों का कहना है कि पुलिस ने उनसे सादे कागज पर दस्तखत कराए हैं, कोई फर्जी कार्रवाई ना हो जाए इसलिए तीनों ने अपना मुंह बंद कर रखा है। इसके बाद जिले की पुलिस फिर एक बार उसी जगह पर खड़ी नजर आ रखी है जहां से शुरुआत हुई थी। 13 महीने का समय बीतने के बाद भी दो अज्ञात युवतियों की शिनाख्त तक न करा पाना ये दर्शाता है कि सीएम योगी के मिशन शक्ति अभियान के प्रति जिले की पुलिस कितनी संजीदा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए उन्नाव से अश्वनी अवस्थी की रिपोर्ट। वहीं ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 28,000 रुपए की नकदी समेत भारी मात्रा में चोरी की ज्वेलरी और सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी सैमसंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर नौकरी किया करता था। साथ ही आरोपी की पत्नी ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुकी है। पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ में 5 घरों में हुई चोरी का भी खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी सगे भाई। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद एक टेक्नीशियन को हालातों ने चोर बना दिया। उसके महंगे शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसने अपने एक भाई और दोस्तों के साथ मिलकर चोरों का गिरोह बना लिया और उसके बाद एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। फरुखाबाद का रहने वाला अनुज नोएडा में सैमसंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर तैनात था, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान 2020 में उसकी नौकरी चली गई, जिसके बाद उसके शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे। अपने शौक पूरा करने के लिए उसने अपने भाई अनूप और एक दोस्त साजिद के साथ मिलकर चोरी का एक गिरोह बना लिया। ये लोग एक गाड़ी से ग्रेटर नोएडा में घूमा करते थे और रेकी किया करते थे कि कौन से मकान में इस समय कौन रह रहा है। मकान की स्थिति को देखा करते थे, बंद पड़े मकानों को निशाना बनाते थे और उसके बाद रात में उस घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इसमें अनुज और अनूप दोनों भाई हैं और साजिद इनका दोस्त है। ये तीनों ही फरुखाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग काफी लंबे समय से ग्रेटर नोएडा के सिरजपुर थाना क्षेत्र के देवला में रह रहे थे और ये दोनों भाई एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शौक पूरा ना होने की वजह से लोग जुर्म की दुनिया में आ गए।
देखिए तीन लड़के जो फरुखाबाद के रहने वाले हैं, जो जिसमें दो सगे भाई हैं अनूप और अनुज, और एक उन्हीं के गांव का है साजिद, ये पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान। इन्होंने अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में 5 चोरियां नकबजनी की घटना स्वीकार की है। इनके पास से ज्वेलरी लगभग 30,000 रुपये, LCD, अन्य सामान, जूते इत्यादि बरामद हुए हैं। जो जिस अपने उपकरण से ये ताला तोड़ते थे वो भी बरामद हुआ है। ये लोग पहले लॉकडाउन में, इसमें एक लड़का जो है सैमसंग कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर अच्छे पैकेज में काम करता था, लॉकडाउन में जब इसकी नौकरी छूटी तो उसके बाद इन लोगों ने अपराध के जगत में कदम रखा और इस प्रकार इन लोगों ने कई चोरियाँ की। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में 5 चोरियाँ इन्होंने एक्सेप्ट किया है। पीटाडू थाना पुलिस ने लोगों को थाना क्षेत्र के डाडागोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से रेकी के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, 28,000 नकदी, भारी मात्रा में चोरी की ज्वेलरी बरामद की है। ₹2022 के चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। बीजेपी पार्टी लगातार अपने पुराने कार्यकर्ताओं को पद ग्रहण करवा रही है। अब बीजेपी के द्वारा योगेश कुमार त्रिपाठी को श्रम प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बना दिया है, जिसके बाद योगेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि श्रमिकों के लिए आने वाले समय में कई नई योजना आ रही है जिससे श्रमिकों के हित में कार्य किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। योगेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीट लाएगी। द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, यहां मौजूद हैं योगेश कुमार, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें एक ऐसा पद दिया गया है जिससे जाहिर तौर पर हालात सुधरेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का पद मिला है आपको, आज से पहले भी कई कार्यभार आपने संभाले हैं, अब कैसे बदलाव आएगा? देखिए, अभी पार्टी ने पहली बार सम प्रकोष्ठ का गठन किया और ये उत्तर प्रदेश में गठन हुआ है, और इस उम्मीद के साथ, आप सब ने देखा होगा कोरोना के समय में श्रमिक अपने जब फैक्ट्रियां बंद हुई तो निकला, पैदल निकल लिया, तो पार्टी की ओर से उनके सेवा का काम किया गया। पार्टी संगठन ने देखा कि उनके लिए जो सहयोग हो सकता है उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, तो ये भविष्य की योजना के लिए पार्टी ने श्रम प्रकोष्ठ का गठन किया और मुझे प्रदेश का संयोजक उसमें मनोनीत किया है, क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र में से मैं पार्टी में पहले भी कई दायित्व निभाता रहा। पार्टी का इससे पहले अपने पश्चिम क्षेत्र का कार्यालय का प्रभारी था, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है नए प्रकोष्ठ में बहुत सारे लोगों को पूरे प्रदेश में जोड़ा है। सर, साहिबाबाद विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है, इसकी कुछ मांगे हैं, अस्पताल, स्कूल, अस्पताल के लिए जगह चिन्हित की गई है इंदिरापुरम में, कब तक बनकर तैयार होगा? ऐसा है कि पुरानी मांग है, साहिबाबाद विधानसभा का क्षेत्र बड़ा है और जब अस्पताल नहीं था, लेकिन सरकार में जब ये संज्ञान विषय आया तो उन्होंने प्रयास किया योगी जी के नेतृत्व में, और यहाँ के जो सांसद आदरणीय जनरल वीके सिंह जी हैं, उन्होंने बड़ी इस बारे में मेहनत करते हुए और क्षेत्र में चार जगह विधानसभा के अंदर 100 बेड के अस्पताल के लिए को चिन्हित करने का काम किया है, और निश्चित रूप से अभी सरकार 100 बेड की अभी मांग है, लेकिन हमारे सांसद जी का प्रयास है कि 250 बेड का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो गैप है वो 400 बेड का गैप है अभी गाजियाबाद में, तो 400 बेड के अस्पताल की मांग है अभी, तो वो जल्द ही योगी जी की सरकार में पूरा काम होगा निश्चित रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। 2022 में किस तरीके से तैयार है बीजेपी, क्योंकि ऐसा लग रहा है, हम लोगों से बातचीत करते हैं और ऐसा लगता है कि बिहार एक बार फिर से वही है बीजेपी वाली, क्या कहेंगे? बीजेपी की निश्चित रूप से सरकार बनने वाली है, विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए कि 2022 भाजपा का शासन का वर्ष होगा और फिर 5 साल भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का काम करेगी, क्योंकि जनता के बीच में 2017 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो लगातार जनता के बीच में काम कर रही है और जनता को वो काम दिख रहा है।
मजदूरों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर जिस तरीके से 12-12 घंटे काम किया करवाया जाता था और उनको एक तयशुदा रकम के तौर पर ठेकेदारी प्रथा के तौर पर एक तयशुदा रकम दी जाती थी, अब ये राहत मिलेगी कि वो 3 दिन अपने परिवार को दे सकेंगे। ये थे हमारे साथ में योगेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने साफ कर दिया कि अब ऐसे कानून आएंगे जिनसे जाहिर तौर पर सामान्य लोगों को राहत मिलेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वहीं बस्ती के उजी गांव में एक दरोगा की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दरोगा गांव में किसी युवती से मिलने पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, पर विरोध करने पर दरोगा ने सरकारी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई और सभी ग्रामीणों ने दरोगा को बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट की। वहीं मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से ही घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि दरोगा के ग्रामीणों ने जमकर उनके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। दरोगा किसी युवती से मिलने गांव पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और उसके बाद उनके साथ मारपीट कर दी। तो ग्रामीणों ने बंधक बनाकर दरोगा को पीटा है। ये बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने युवती से मिलने पहुंचे एक दरोगा को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो वहां किसी मौजूद ग्रामीण ने बना लिया, जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डालने के बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल चुका है। और आपको बता दें कि ये मारपीट का वीडियो, दरोगा एक युवती से मिलने गांव पहुंचे थे ऐसा बताया जा रहा है, जिसका विरोध किया ग्रामीणों ने, और विरोध के बाद उन्होंने दरोगा को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बस्ती से ये वीडियो है, जहां पर दरोगा के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। अभी तक जो आला अधिकारी है पुलिस का, उनका अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, सभी ने चुप्पी साध ली है। युवती से मिलने पहुंचे थे दरोगा साहब, जिनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उनको बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई। ये मौके का वीडियो है, जहां पर बाद में पुलिस विभाग के लोग भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दरोगा के साथ ग्रामीणों ने बंधक बनाने के बाद जमकर मारपीट की। युवती से मिलने पहुंचे थे दरोगा, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध करने के साथ ही उनको बंधक बना लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। आला अधिकारियों से जब इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। तो आला अधिकारियों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। ग्रामीणों ने जमकर मारपीट किया दरोगा के साथ। दरोगा युवती से मिलने पहुंचे थे गांव, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने इस चीज़ का विरोध किया और विरोध करने के बाद दरोगा को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के साथ ही उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और इसके बाद इसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है और वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस पर आला अधिकारियों ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो बस्ती से ये पूरी वीडियो, जहां पर दरोगा के साथ जो मारपीट हुई, उस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मारपीट का ये पूरा वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, बड़ी घटना है, जहां पर दरोगा को ग्रामीणों ने पकड़ा, उनके साथ मारपीट की गई। कासगंज में लूट करने आए कार सवार बदमाश कोबरा पुलिस की राइफल छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद से ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने मौके पर पहुंच मौका मुआयना किया। इसके साथ ही बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कई स्पेशल टीमों का गठन भी किया गया है। वहीं राइफल लूटने की ये घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। घटना तड़के सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। ये लूट की वारदात सिपाही रवि और अभिषेक प्रताप सिंह के साथ हुई है, जिसमें बदमाश अभिषेक प्रताप सिंह की राइफल लूटकर फरार हो गए हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे पर अमेजॉन स्टोर के पास ये पूरी घटना घटी है। देखिए, थाना नकासगंज क्षेत्र में एक अमेजॉन का गोदाम पड़ता है। इस गोदाम में कुछ लोग CRV होंडा व्हीकल से आते हैं और उसमें जो है उसका शटर काटने की कोशिश करते हैं।
पुलिस की न पुलिस वहां पे न गश्त करती न करते दो कांस्टेबल्स जो है वो उस सीआरवी होंडा के पास उस गाड़ी के पास चले जाते हैं। जैसे वो वहां पे न जाते हैं ये लोग जो शटर काटते हैं, ये लोग उनको देख के भागने की कोशिश करते हैं, कुछ हाथापाई न कांस्टेबल्स के साथ न करते हैं और जो है उनका असला छीन के, एक कांस्टेबल का असला छीन के वे लोग वहां से गाड़ी में बैठ के वहां से फरार होते हैं। पुलिस इसमें न लगी हुई, हम लोग करीबन 5 से 6 टीमें हम लोगों ने लगाए हैं। तो कासगंज से निकलकर ये बड़ी घटना सामने आई है जहां पर कोबरा पुलिस की राइफल छीन कर ही बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि लूट के इरादे से एक कार सवार बदमाश वहां घूम रहे थे, जिसके बाद कोबरा पुलिस को उन्होंने देखा और उनकी राइफल छीन कर अब ये बदमाश फरार हो चुके हैं, जिसके बाद अब आपको बता दें कि पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से राइफल को लूट लिया गया कोबरा पुलिस की? सर, मामला ये था कि कोतवाली सड़क क्षेत्र मतलब बरेली हाईवे का एक्शन स्टोर का मामला था ये सर। तो ये बताते चले आपके लिए, क्योंकि ये राइफल ये गाड़ी चोर आए, दो चोर थे उसमें गाड़ी खड़ी हुई थी। हाँ जी सर, हेलो जी अनुज, आवाज आ रही है आपके। अनुज ये बताइए, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है कि एक राइफल छीनकर बदमाश फरार हो गए, अब इससे तो जो खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, बदमाशों के हाथ में राइफल लग चुकी है। हाँ जी सर, वो आपको बता रहे सर, आपको बता सर 5 टीमें गठित कर दी गई है उनके लिए। ये मामला पूरा ही वो है और पुलिस का जो वो है मौजूद है। जी अनुज बताइए, बताइए अनुज। जी अनुज आवाज आ रही है आपकी, बताइए। उन्होंने पूछा था उनसे की ये आप उन्होंने राइफल छीनी थी उनसे, छीनने के बाद उनसे फरार हो गए। फरार होने के बाद उन्होंने तत्काल उन्होंने फोन करा उनके मुआयना किया उन्होंने। जी अनुज, बदमाशों के पास इतना आत्मबल कहां से आ गया कि उन्होंने पुलिस की ही राइफल छीन ली? कितने लोग थे, कितने बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने राइफल छीनी है? जी कितने बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने राइफल छीनी है, संख्या क्या थी उनकी? दो बदमाश थे सर। दो बदमाश कोबरा पुलिस से राइफल छीनकर फरार हो गए? हाँ जी सर। जी इसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने है, तो अभी तक उनकी पहचान की गई है? बता रहे सर, 5 टीमें गठित कर दी गई हैं सर। जी सीसीटीवी फुटेज जो मिली है उसमें क्या कुछ मिला है, कुछ निकलकर सामने आया है बदमाशों की किसी तरीके से पहचान? बदमाशों का बस फुटेज दिखा है कि गाड़ी में बैठ के तो बदमाश फरार हो गए रात में लेके। जी तो ये जो पूरी घटना हुई है, इसके बाद जो सिपाही बताए जा रहे हैं जिनसे ये राइफल छीनी गई है, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई? जी सर, अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, टीम गठित कर दी गई है सर। जी टीम गठित की गई है। अच्छा, ये पूरी जो घटना है वो तड़के सुबह की बताई जा रही है, क्या कुछ हो रहा था, किस वजह से ये, कैसे पता चला कि बदमाश लूट के इरादे से घूम रहे थे? क्योंकि उन्होंने नहीं है जो कोतवाली सदर क्षेत्र के मतलब हाईवे पर अमेज़न स्टोर का स्टोर है, तो उसमें उन्होंने फटफट की आवाज आ रही थी, उनके लिए रोका उन्होंने, उन्होंने कि ये क्या है, तो उन्होंने एकदम छीन के एकदम उनकी राइफल, तो एकदम फरार हो गए। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी घटना है। धन्यवाद आपका अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी घटना है कि बताइए पुलिस वालों की ही राइफल छीनकर बदमाश फरार हो गए, तो ये बड़ी घटना जो कि कासगंज से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, जल्द ही इन बदमाशों की पहचान कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं मऊ में शिक्षा विभाग की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी शिकायत पूर्व में रहे जिलाधिकारी से भी की गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एंटी भू माफिया के तहत मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में अब वर्तमान जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बने हॉस्पिटल को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त करा दिया है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के शिक्षा विभाग कॉलोनी का है, जहां पर डॉक्टर अतुल राय व उनकी पत्नी
डॉक्टर अनिशा राय द्वारा अवैध निर्माण कर आस्था मैटरनिटी चाइल्ड केयर के नाम से सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि शिक्षा विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था। इस अवैध निर्माण पर कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन उस बाउंड्री के ऊपर फिर से निर्माण करा लिया गया, जिसके बाद अब मामले में कार्यवाही करते हुए सरकारी जमीन से अवैध निर्माण को हटाया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर चला है, प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। अवैध निर्माण की घटना है पूरी, जहां पर सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनवाया गया था, जिसको अब प्रशासन ने तुड़वा दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने यहां पर मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से एक सेंटर संचालित कर रखा था, जिसकी शिकायत पहले भी पूर्व जिलाधिकारी से की गई थी, जिसके बाद अब वर्तमान जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई कराते हुए हॉस्पिटल को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करा दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जहां बुलडोजर अवैध रूप से बने इस हॉस्पिटल को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो जमीन है वो शिक्षा विभाग की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत के बाद अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की जमीन पर ये पूरा जो हॉस्पिटल है ये बना हुआ था, और इसको चाइल्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर पति पत्नी संचालित कर रहे थे, जिसकी शिकायत प्रशासन को पहले भी दी गई थी। पूर्व में जो जिलाधिकारी थे उनके पास भी शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद अब वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को ध्वस्त करा दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में शिक्षा विभाग की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था, जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले जिन्होंने अवैध निर्माण किया था, अवैध कब्जा किया था, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा FIR भी कराई गई थी। किंतु कुछ लोगों ने उस बाउंड्री के ऊपर फिर से नया निर्माण भी कर लिया गया था, तो उस सरकारी जमीन से जो निर्माण किया गया था उसको आज हटाया गया। वहीं संभल की बहजोई कोतवाली पुलिस ने SOG व सर्विलांस की मदद से फर्जी तरीके से लोगों का आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़ी तादाद में फर्जी आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, प्रिंटर, वेब कैमरा, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आई स्कैनर व अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में गिरोह के सरगना समेत 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। ये गिरोह बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव साकिन शोभापुर में एक मकान में ये रैकेट चला रहा था। SP चक्रेश मिश्र ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है, और मामले की जांच पड़ताल कर आरोपी जो फरार हो चुके हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। SP ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी तलाश के लिए भी टीमें लगा दी गई हैं। आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड बनाने का यह पूरा मामला, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो जो फरार युवक हैं, जो चकमा देकर भागे हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से सेवाकर जुड़ चुके हैं। सेवाकर, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये गिरोह संचालित कर रहा था? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला पूरा संभल जनपद के बहजोई कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ काफी समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में जब पूरा मामला आया तो SP चक्रेश मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की, जिसमें सर्विलांस SOG को लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने एक गांव में, जहां सूचना मिली थी, उस गांव में एक मकान में, जो गांव है बहजोई कोतवाली के साकिन शोभापुर, वहां पर पुलिस ने छापा मारा और 2 लोगों को वहां से पकड़ लिया, जबकि उनके अन्य 2 साथी मौके से फरार हो गए। मौके से 2 लैपटॉप
आधार कार्ड बनाने में प्रयुक्त होने वाले कैमरा, फिंगरप्रिंट मशीन, अन्य सामान और दस्तावेज बरामद किए पुलिस ने। आवाज आ रही है जी शिवाकर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ जी। शिवाकर जी ये बताइएगा, अभी जो दो लोग फरार हुए हैं उनके लिए टीमें लगा दी गई, हालांकि आगे की क्या रणनीति, क्या पुलिस ने बताया है कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाएगा, टीमों का क्या किस तरीके से गठन किया गया है? जी पुलिस ने टीम लगा दी है, जो फरार जो आरोपी है उनमें जो है एक बैदू थाना क्षेत्र के जो है आज उसी गाँव का जिस गाँव में छापेमारी हुई थी शोभापुर, उसका नाम आरोपी का कालेश पुत्र राम निवास है और दूसरा बदायूं जनपद के फैजगंज थाना क्षेत्र पे कपोरे गांव का रहने वाला है एसपी पुत्र राजपाल, ये लोग फरार हैं, पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। बिल्कुल शिवाकर, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मालूम चलता है क्योंकि आधार कार्ड ही सबसे इंसान की जो पहचान होती है उसे प्रकाशित की जाती है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, ये आधार कार्ड फर्जी रूप से बनाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है जी कि जो इन्होंने फर्जी जो जिस वेबसाइट पे जो आधार कार्ड बना रहे हैं उन्होंने उस आईडी को जो है। आवाज आ रही है मेरी? जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। एक चीज शिवाकर यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो गिरोह गिरफ्तार हुआ है इसके तार किसी और अन्य गिरोह से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कोई और इनके ऊपर मास्टरमाइंड तो नहीं बैठा है? इस समय में इस विषय में पुलिस की जांच में जुटी हुई है, कोई क्लियर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मालूम हो रहा है। शिवाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फर्जी आधार कार्ड बनाकर किस तरीके से ये लोग कितनी बड़ी सेंध लगा रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत बड़ी सेंध मारी ये नजर आती है, क्योंकि आधार कार्ड ही है जो इंसान की आधिकारिक पहचान को सुनिश्चित करता है और आधार कार्ड को ही ये लोग फर्जी तरीके से बनाकर बांट रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।